जंजुआ जो है वो प्लेन से बाहर आ चुके हैं। अच्छा, इसने जो है ना मुझे तकरीबन तीन तरह के जो है वो ब्रेकफास्ट बताए हैं। अभी आप कहिए जंजुआ भाई बड़ा कंफर्टेबल हो गया, यहाँ पे बैठा हुआ पूरा रिलैक्स, पूरा चिल कर रहा हूँ। बड़े भाई ये ले, थैंक यू थैंक यू। अभी वेटिंग रूम में जो है वो वेट कर रहे हैं। मूवीज है, गेमिंग है, म्यूजिक है, जो भी जिस कैटेगरी का अगर आप सुनना चाहते हैं। ये कबाब विद पराठा विद पोटैटो, ये मफन है। पहली बाइट लेते हैं और लेके आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो वीलॉग्स है ये बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है, बल्कि अब जो मेरे वीलॉग्स आएंगे वो आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटेड होंगे और बहुत ही फन मौज मस्ती वाले और बहुत ही ऐसी आप कह लें कि प्लेसेस के जो आपके पास व्लॉग्स आएंगे जो कि आप लोग डिफरेंट तरह के कमेंट्स में मुझसे कहते रहते हैं। सो अब जो मेरे लेटेस्ट आप कह लें कि 20 से 25 दिन के जो व्लॉग्स आएंगे वो बड़े ज़बरदस्त होंगे। सो इसलिए आप लोग जो भी अभी मेरी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अगर आपका कोई भी सवाल है या किसी भी तरह की कोई बात है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर वन बात यह है कि अभी जो है वो मैं पाकिस्तान से जो है वो कतर जा रहा हूँ, कतर एयरवेज़ पे। तो आज की जो वीलॉग्स है इसमें मैं आपको कतर एयरवेज़ का जो रिव्यू है वो करूँगा, कतर एयरवेज़ के साथ कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो कि पाकिस्तान से दोहा के लिए है। तो अभी जो है वो मैं वेटिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ, ऑलमोस्ट जो है वो बोर्डिंग सारी कंप्लीट हो गई है। तो लगेज मेरा इतना कोई ज़्यादा था नहीं, तो वो तो मैंने वहाँ पे जमा करवा दिया, जिसके बाद ये मुझे बोर्डिंग जो है वो क्लियर मिल गई है। तो वेटिंग रूम में बैठा हूँ और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अब मेरे नेक्स्ट वीलॉग्स आएंगे वो बड़े ही ज़बरदस्त होंगे। इसलिए जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं दोबारा उनसे यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सेकेंडली बात ये है कि कतर में जो आप कह लें कि डिफरेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में, कतर में किस तरह से जो है वो लोगों की ज़िंदगी गुजरती है, जो कि स्पेशली जो एशियन कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे जाके रहते हैं, उस हवाले से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्कवर करनी है, जो कि इस टूर में इस ट्रिप में जो है वो प्रॉपर आपको डिस्कवर करके आपको दिखाऊँगा बताऊँगा, प्रॉपर आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप चैनल पे जो है नए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अभी आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो हैं वो वेटिंग लॉबिंग में जो है वो बैठे हुए हैं। और अगर आपको ये दूर से नज़र आ रहा हो, A4 जो आप कह लें कि काउंटर या गेट है जिस इंट्री होगी कतर एयरवेज़ के मुसाफरों की जिन्होंने जो है वो जाना है। सो अभी बैठे हुए हैं, तकरीबन तीसरी चौथी मरतबा जो है ये अनाउंसमेंट हो चुकी है डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं उनकी। सो अभी वेटिंग रूम में जो है वो वेट कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ से फिर फ्री होते हैं देन जो है वो जहाज़ में बैठ के आपसे बात करेंगे। बड़े भाई ये लें, थैंक यू थैंक यू। फाइनली जी बोर्डिंग अभी हो गई है और ये आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बोला था ये गेट नंबर 4 लिखा है, ठीक है। ये इस साइड पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो है वो जहाज है, ठीक है। जैसे ही मैं प्लेन में एंटर हुआ मैंने एयर होस्टेस को ये बोला कि प्लीज़ मुझे विंडो सीट दीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ विजुअल या कुछ ऐसी वीडियो कैप्चर करनी है अपने व्यूवर्स के लिए। लेकिन मुझे उन्होंने यही कहा कि आपकी जो सीट है वो 38D है जो कि विंडो सीट नहीं बनती, लेकिन फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे विंडो सीट अरेंज करके दें। अभी आप कहिए जंजुआ भाई बड़ा कम्फर्टेबल हो गया, यहाँ पर बैठा हुआ पूरा रिलैक्स, पूरा चिल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सीट बड़ी ज़बरदस्त है यार, सच्ची बताऊँ आप लोगों को। तो और एयर होस्टेस अभी आई थी तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे पानी दो, मेरा गला कुछ हो गया विंडो सीट तलाश करते करते, तो वो आई है। फिर मैंने उसको साथ में ये भी बोला, मैंने बोला यार आप बहुत अच्छे इंसान हैं इंग्लिश में, मैंने उसको मतलब बोला है, तो कहती है क्या मतलब, कहती है क्या
मैंने बोला आप बहुत अच्छी है क्योंकि आपने मुझे विंडो सीट दिलाई है। तो फिर बड़ी वो हंस के, मतलब स्टाफ भी, अगर स्टाफ की भी बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त है। और मैंने उनको एक दफ़ा बोला कि यार मुझे को विंडो सीट दिलवा दें, तो उन्होंने प्रॉपर जब तलाश किया फिर प्रॉपर मेरी सीट पर आई है जिस पर मैं पहले बैठा हुआ था, वहाँ पर आप, उसने बोला कि आप इस साइड पर आ जाए, यहाँ पर विंडो सीट है। तो अभी मैं बैठा हूँ और बड़ा कंफर्टेबल हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिलैक्स सीट है, पीछे फुल की हुई है। और यहाँ पे अभी जो है वो थोड़ी सी नींद भी पूरी करूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम जो है वो, अगर पाकिस्तानी टाइम की बात करें तो 4:10 हो गए हैं, और कतर टाइम के मुताबिक जो है वो मैंने वहाँ पे लैंड करना है, आप कह लें कि 5:20 पे, आई थिंक 20 मिनट पे, 5:15 पे, सॉरी 5:15 पे कतर टाइम के मुताबिक वहाँ पे मैंने लैंड करना है। तो अब देखते हैं आगे, सीट तो मिल गई है बड़ी ज़बरदस्त, आगे क्या होता है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त सीट एडजस्टमेंट है जी, आप देख लें बिल्कुल कंफर्टेबल होके सीधे पाँव करके जो है वो रिलैक्स होके मैं बैठा हुआ हूँ, तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी सीटिंग है, मुझे बड़ी पसंद आई है। जिस तरह से आप कह लें कि एक बिजनेस क्लास की किसी एयरलाइन की जो सीट्स होती हैं बिल्कुल इसी तरह से खुली डुली सीट्स हैं। और एंटरटेनमेंट की यहाँ पे बात करें तो ये आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन जो है वो लगी हुई है, इसमें एंटरटेनमेंट है, इसमें आप कह लें बच्चों के लिए है, और फिल्म्स हैं और कुरान पाक है, तलावत है, जो भी आप इसमें देखना चाहें, मूवीज़ हैं, गेमिंग्स है, म्यूज़िक है, जो भी जिस कैटेगरी का अगर आप सुनना चाहते हैं, हिंदी है, तो वो आपको सारी कैटेगरी का इसमें इजीली जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो है रिमोट है, इससे जो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एलसीडी को। ये खाने की जगह है, यहाँ पे आप खाना रख के जो है वो खाएंगे, ऑब्वियसली जब अभी नाश्ता आएगा, ब्रेकफास्ट आएगा, तो वो यहाँ पे जो है वो रख के खाया जाएगा। और कंफर्टेबल फुल सीट है, पाँव बड़े ज़बरदस्त एडजस्ट हुए हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ। सो मैं तो बड़ा रिलैक्स हुआ हूँ इस एयरलाइन में आके, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बाय द वे बच्चों के लिए जो है वो कार्टून भी हैं, तो वो भी अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो देख सकते हैं। बाहर का जो अभी हाल है वो कोई सही क्लियर नहीं है क्योंकि रात का समय है, रात को आपको पता है इतना ज़्यादा कोई व्यू तो बाहर का होता नहीं है, तो इसलिए जब सुबह कल उधर लैंड करेंगे तो फिर आपको जो बाहर का व्यू होगा वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रूम की बात करें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि रूम किस तरह से है, ये अभी लाइट्स ऑन है क्योंकि अभी जो है वो टेक अप नहीं किया, जहाज उड़ा नहीं है, सो इस वजह से। अच्छा, इसने जो है ना मुझे तकरीबन 3 तरह के जो है वो ब्रेकफास्ट बताए हैं, एक कोई बता रही थी पराठा विद चिकन कबाब, और सेकंड इसने मुझे बताया कोई स्पेनिश बता रही थी, स्पेनिश आमलेट विद सॉसेज, और तीसरे नंबर पर इसने मुझे एक ब्रेकफास्ट बताया, तो वो कहती है कि वो वाला लेना है तो वो लो। तो मैंने इसको बोला कि, मैंने कहा नहीं यार मुझे ना आप ऐसा करें कि फर्स्ट वाला जो है ना वो पराठा विद चिकन कबाब जो है वो दे दे। तो अभी जो है वो ये दे के गई हैं। तो ब्रेकफास्ट में जी ये चीज़ें, ये जो मैं आपको कह रहा था कि कबाब विद पराठा विद पोटैटो, ठीक है, ये जैम्स, स्ट्रॉबेरी जैम्स, और ये ट्रफल है कोई, इसमें मेरे ख्याल में कस्टर्ड या कोई स्वीट होगी, ये फ्रेश फ्रूट है, ठीक है, उसके बाद ये जो है वो ऑरेंज जूस मैंने लिया, उसके बाद ये मफन है वाटर और हैंड वॉश करने के लिए। तो अभी टेस्ट करते हैं कि कतर एयरवेज का जो ब्रेकफास्ट है वो कितना। सबसे पहले जो है वो मैं टेस्ट करता हूँ ये पोटैटो एक जो है, इसको टेस्ट करते हैं, इसी में ये ऐड था। तो इसकी टेस्ट की बात करें तो नॉर्मल ही है, ठीक ही टेस्ट है, जितना मैं समझ रहा था उसी तरह से। अब इसके बाद जो है वो बाइट लेते हैं हम, जो कबाब है, कबाब के साथ ये सॉसेज है, इसका एक बाइट लेके चेक करते हैं। कबाब ऐसे अच्छे से जो है वो कट गया, मतलब ये सही है कबाब, इससे ये जाहिर होता है। तो ये पहली बाइट लेते हैं और लेके आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट क्या है। यकीन करें कि मैं आपको कहता हूं कि कबाब का बड़ा ही ज़बरदस्त, एक नॉर्मल सी मिर्चें हैं जो कि आपको पता है मैं ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाता, तो उस लिहाज से फ्लाइट में ऐसे ही खाना होना चाहिए, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी होगा वो आपके लिए मसला होगा। तो
तो बड़ा परफेक्ट जो है वो ब्रेकफास्ट अच्छा, है। अच्छा वो अभी एयर होस्टर आई है, मुझे वीडियो बनाते देखा है, तो कहती है सर प्लीज़ कैन यू गिव एनीवन। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये जो स्पेनिश ऑमलेट था आप कह रही थी वो मुझे दें, मैं वो चेक करता हूँ। तो वो क्या है, स्पेन में तो जा नहीं सकते तो स्पेनिश ऑमलेट जो है वो टेस्ट करते हैं। तो ये फिर वो दे के गई है, ठीक है ये कोई इसमें सैलड टाइप है और ये ऑमलेट है बेसिकली विद सॉसेस। ये अच्छा टेस्ट है वैसे इसका, मुझे पहले यही था कोई एम ही ना हो, लेकिन टेस्ट इसका बड़ा ज़बरदस्त है, इससे भी बल्कि अच्छा है पराठे से भी, कबाब और पराठे से ऑमलेट का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। ब्रेकफास्ट की टेस्ट की बात करें तो वाकई बड़ा कमाल का था, और फिर आपके भाई ने भी जो है वो कसर को नहीं छोड़ी, मतलब जितना भी ब्रेकफास्ट आलमोस्ट उसको फिनिश किया, क्योंकि उसकी रीज़न ऑफ दैट ये थी कि एक तो मुझे भूख भी लगी हुई थी, दूसरा टेस्ट भी बहुत कमाल का था। तो जूस भी जो था इनका, ये जो ऑरेंज जूस था ये भी बड़ा बाकमाल था। उसके बाद जिसको मैं ट्रैफल समझ रहा था यानी कि कस्टर्ड समझ रहा था, वो बेसिकली क्या था कि इन लोगों ने स्ट्रॉबेरी जैम्स को और विद जो आप कह लें योगर्ट दही को जो है वो मिलाया हुआ था, और बड़ा ज़बरदस्त एक कम्बिनेशन बना हुआ था, जो कि ये मुझे बहुत बड़ा ज़बरदस्त बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको फिर पूरा फिनिश किया क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा कमाल का था, ये थोड़ा सा मेरे पे गिर भी गया था, तो ऐसे होता है। वैसे भी दाग तो अच्छे होते हैं, ये मैं नहीं, ये सर्फ एक्सेल कहता है, और एमरेट्स एयरलाइन ये कहती है कि जब आपको भूख लगी हो तो पेट भर के खाना खाना चाहिए। फ्लाइट नंबर QR633 जो है वो अपनी मंजिल के करीब आने वाली है, और आप ये व्यू देख सकते हैं। अभी हम देखें तो हम दोहा के बिल्कुल करीब जो है वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको वैसे एक और बात बताता चलूँ, जब हम लोगों ने इस्लामाबाद से परवाज़ ली थी तब वहाँ पे बारिश थी हल्की हल्की सी, तो उड़ते वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लगा था, क्योंकि इतने प्रेशर में जो आप कह लें कि प्लेन ऊपर हो रहा था, बारिश की बाकायदा आवाज़ आ रही थी। तो ये आप अभी इसकी लेटेस्ट जो स्पीड है वो भी आप देख लें अभी, क्योंकि ये उतरने वाला है तो इनकी जो स्पीड है वो डाउन हो जाती है। और ये जो है व्यू आप ये देखें, जो कि बड़ा ज़बरदस्त व्यू मैंने कैप्चर किया है ये विंडो सीट से। विंडो का ये सिर्फ फ़ायदा हुआ है, मैंने बड़े ज़ोर से जो है और बड़ी रिक्वेस्ट से जो विंडो सीट ली थी, और उसका व्यू का जो नज़ारा है वो यही कैप्चर हो सके। समुंदर के ऊपर कोई आइलैंड सा बना हुआ ही नज़र आ रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, अब नीचे उतर के देखते हैं। तो फाइनली हम कतर की सरजमीन पे आ चुके हैं, सफ़र हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। अभी जो प्लेन की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है इसकी स्पीड खुद ब खुद कम हो जाएगी। और ये अभी आप देख सकते हैं कि जब प्लेन लैंड करता है तो उस वक्त इसके जो पर होते हैं वो आप कह लें कि खुल जाते हैं, तो बिल्कुल ये ऐसे ही खुल गए हैं। अभी सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहा है जी, बड़ा बाकमाल रहा है, मतलब किसी भी तरह की कोई मुश्किलात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में किसी भी तरह की नहीं हुई, हर चीज़ जो थी वो परफेक्ट थी, परफेक्ट तरीके से जो है वो हमने कतर की सरजमीन दोहा पे जो है वो लैंडिंग की है। अल्लाह ताला हमारा ये सफ़र कामयाब करे। अभी जी हम बाहर निकले हैं, बाहर निकलने का नज़ारा जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग का आप देख सकते हैं, लोग जो है वो जल्दी जल्दी से क्यू में बाहर निकले जा रहे हैं। और अभी आपके भाई जंजुआ जो हैं वो प्लेन से बाहर आ चुके हैं और आपको जो है वो नज़ारा चेक करवाते हैं प्लेन का, जिस प्लेन पे हम आए हैं। तो ये जो अभी आपको प्लेन नज़र आ रहा है, इस प्लेन पे हम जो है वो आए हैं दोहा एयरपोर्ट पे, जो कि आप मनाजर अभी देख रहे हैं। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हैं कि जंजुआ जो है वो दोहा एयरपोर्ट पर जो है वो आ गया है। अब यहाँ पर जो है वो बोर्डिंग वो क्लियर करवानी है, ठीक है। और यहाँ तक ये बात करें कि कतर एयरवेज़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस, इसका जो आप कह लें कि एट ऑफ द एंड है फाइनल रिव्यू या फाइनल रिमार्क्स जो होते हैं। यहाँ तक बात करें कि कितनी अच्छी फ़्लाइट थी, तो कमाल की फ़्लाइट थी। तो ये भी लॉग जो है कतर एयरवेज़ के रिलेटेड था, ये यहाँ पे एंड करते हैं। अब जो नेक्स्ट भी लॉग होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएँगे, सो इस व्लॉग को एंड करते हैं। जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कमेंट्स में कोई भी बात है कोई भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।